हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास नाइन्थ मैथ क्लास। मैं आपको अपने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आज के सेकंड क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। और क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और पहला इक्वेशन है 2x + y = 7। तो अब हमें इसके 4 सोल्यूशन निकालने हैं, तो इसलिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम करते हैं, लेट एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 माना तो क्या होता है, 2 × 1 + y = 7, यानी 2 + y = 7। तो y की वैल्यू क्या हुई, ऑब्वियसली 7 − 2 = 5। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या हुई, 5 हो गई। यूजली ये हमारा पहला सोल्यूशन होगा। अब हम सेकेंड सोल्यूशन पर आते हैं। यहाँ पर हमने x की वैल्यू को अगर 2 मान लिया तो 2 × 2 = 4 होता है, यानी 4 + y = 7। तो y की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, जाहिर सी बात है 7 − 4 = 3। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 3 होती है। एंड दिस इज माई आवर सेकेंड सोल्यूशन। नाउ कम ऑन थर्ड सोल्यूशन। अब हम x की वैल्यू को अगर थर्ड मान लेते हैं तो 2x की वैल्यू होती है 2 × 3, यानी 6 + y = 7। तो अगर 6 + y = 7 होता है तो y की वैल्यू क्या हो गई, 7 − 6 = 1। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 हुई, और ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन मिला। लेकिन अब हमें एक फाइनल चौथा सॉल्यूशन भी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू को अगर 4 कर देते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन इक्वेशन बनता है वो होता है 2 × 4 + y = 7, यानी 8 + y = 7। तो y की वैल्यू क्या हुई, 7 − 8 = −1। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू −1 होगी। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे जो 4 सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं x = 1, y = 5, x = y = 3, x = 3, y = 1 और x = 4, तो y = −1। यानी 1 and 5, 2 and 3, 3 and 1 and 4 and −1, दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट हम लेते हैं। क्वेश्चन है πx + y = 9। तो जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो अगर हम x की वैल्यू को मान लेते हैं 1/π, तो अब क्या होगा, तो हम देखते हैं कि अगर x की जगह हमने 1/π को पुट किया तो पहले से गिवन है πx, तो π × 1/π + y = 9। तो पाई से पाई कट गया, अब क्या बचा, 1 + y = 9 बचा। तो अगर 1 + y = 9, तो y की वैल्यू क्या होगी, 9 − 1 यानी 8 होगा। तो अगर x की वैल्यू 1/π हो गई तो y की वैल्यू होती है 8। यूजुअली अब हम अगर x की वैल्यू को 2/π मान लेते हैं तो पाई से पाई यहाँ कटने के बाद क्या बचा, 2 + y = 9। तो अगर 2 + y = 9 है तो y की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 9 − 2 = 7। यानी अगर x की वैल्यू 2/π तो y की वैल्यू 7 हो गई। सिंपल हम थर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर हम x की वैल्यू को लेते हैं 3/π, तो अब क्या होगा, π × 3/π + y = 9। तो पाई से पाई मैंने काटा, बचा क्या, 3 + y = 9। तो अगर 3 + y = 9 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 9 − 3 ऑब्वियसली 6 हो गया। तो अगर x की वैल्यू 3/π तो y की वैल्यू 6 होती है। हमारा थर्ड सॉल्यूशन था। अब हम एक लास्ट चौथे सॉल्यूशन के लिए देखते हैं कि हमने x की वैल्यू को अगर पुट किया 4/π, तो π × 4/π + y = 9। तो पाई से पाई को मैंने काटा, बचा क्या, 4 + y = 9। तो अगर 4 + y = 9 होता है तो y की वैल्यू क्या हुई, ऑब्वियसली 9 − 4, तो 5 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि x = 4/π और y = 5। तो हेंस हमारा जो सॉल्यूशन बना वो हुआ 1/π, 8 2/π and 7 3/π and 6 and 4/π and 5। ये हमारा सॉल्यूशन होता है। यूजुअली जब थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं, क्वेश्चन है x = 4y, तो अगर हम x की वैल्यू को 20 मान लें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, तो अगर मैंने 20 मान लिया तो हम ये कह सकते हैं कि 20 = 4y। तो अगर 20 = 4y है तो 4y = 20, सिंपल सी बात है रिवर्स करने पर। तो अगर 4y = 20 तो y की वैल्यू क्या होगी, 20/4 यानी 5 हो गई। तो अगर x की वैल्यू 20 हुई तो y की वैल्यू 5 हो जाती है। लेकिन अब हम जब सेकेंड सॉल्यूशन की बात करते हैं, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू को 16 पुट किया, तो अब क्या हुआ,
फोर वाई इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू 16 बाई 4 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू अगर 16 तो y की वैल्यू यहाँ पर 4 होती है सेकेंड सॉल्यूशन के रूप में। थर्ड सॉल्यूशन जब हम देखते हैं, अब हमने एज्यूम किया x की वैल्यू को 12, तो वैल्यू क्या हुआ 4y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू 12 बाई 4 यानी 3, तो अगर x की वैल्यू 12 तो y की वैल्यू अब कितनी होगी 3 हो गई। और अगर ऐसे ही हमने एक फाइनली फोर्थ सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू को 8 एज्यूम कर किया, तो हम देखते हैं कि 8 इक्वल टू 4y यानी 4y इक्वल टू 8 होता है, तो y की वैल्यू 8 बाई 4 2 हुआ। तो x की वैल्यू अगर 8 है तो y की वैल्यू 2 होती है। और इस तरह से जब हम फोर्थ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो है 20 and 5, 16 and 4, 12 and 3 and 8 and 2, ये हमें चार सॉल्यूशन मिलते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ मैं फिनिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मैं अपने अगले क्लास में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।